हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे चर्चा करूँगा। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं जो हमारे सम्मानित ग्राहकों की अपेक्षाओं से अधिक है, हम अपने ग्राहकों के साथ सम्मान और विश्वास के साथ व्यवहार करने में विश्वास करते हैं। हम रचनात्मक आविष्कार और नवाचार के माध्यम से बढ़ते हैं। हम अपने व्यावसायिक कामकाज के सभी पहलुओं में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक नैतिकता को एकीकृत करते हैं। ये विकास लाइफ केयर लिमिटेड का कहना है, ये मेरा मानना है। आगे चलते हैं दोस्तों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जैसा कि इसमें दिया गया है, 3 दशकों से हमने भारत में विष मुक्त विशेष रसायनों में नवाचारों का बीड़ा उठाया है। हम विश्व स्तर पर विविध ग्राहक आधार को पर्यावरण के लिए जिम्मेदार विशेष रासायनिक समाधान प्रदान करते हैं। हमारे उत्पादों को सुरक्षा, महत्वपूर्ण भोजन और पेयजल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा अनुमोदित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल एवं फसल देखभाल, इंफ्रा उत्पाद, स्मार्ट उत्पाद व्यवसाय और भी अधिक है। हमारी कंपनी विकास हेल्थ केयर लिमिटेड, हम जो है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, दुनिया भर के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले विशेष रसायनों का अग्रणी प्रदाता है। हम अपने समय की सबसे गंभीर पर्यावरण और सुरक्षा चुनौतियों के लिए नवीन समाधान खोजने के लिए उत्साहित हैं। हम उद्योग में उत्पाद अनुप्रयोगों में मूल्यवर्धित सुरक्षित विकल्प बनाने के लिए विश्व अग्रणी प्रौद्योगिकी और रासायनिक विज्ञान का लाभ उठाते हैं। विकास लाइफ केयर का MD डॉक्टर SK धमन, हम अपने सभी व्यावसायिक कार्यों में विश्वास, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को प्रेरित करते हैं। विकास लाइफ केयर लिमिटेड VLL एक ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाणित कंपनी है, जो प्लास्टिक, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबर के लिए पॉलीमर रबर यौगिकों और एडिटिव्स के व्यापार और निर्माण में लगी हुई है। कंपनी मुख्य रूप से विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों यानी पॉलीमर और रबर कमोडिटी, थोक खपत, कंपाउंड और मास्टर बैच, EVA, PVC, PP, PE आदि जैसे औद्योगिक और उपभोक्ता के बाद के अपशिष्ट पदार्थों से अपसाइकिल यौगिकों का निर्माण में लगी हुई है। भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण पहल में योगदान देना और सैकड़ों हजारों टन प्लास्टिक उत्पादों और पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने वाले समूहों के लिए अनिवार्य EPR दायित्वों को पूरा करना। विकास लाइफ केयर लिमिटेड का प्रबंध निदेशक डॉक्टर SK धवन, अनुभव 35 प्लस वर्षों का है, यानी कि 35 वर्षों से अधिक का है, जिनका एक पिक्चर है एवं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर SK धवन MSc रसायन विज्ञान, PhD और जू सैट्स स्टूडियो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। डॉक्टर धवन हाल तक पूर्व एमेरिटस वैज्ञानिक, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और प्रोफेसर ACSIR रहे हैं और
ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन समूह CPCB के अध्यक्ष के रूप में भी जारी रहे हैं। उनके मुख्य गतिविधि क्षेत्र पॉलीमर, स्मार्ट कोटिंग्स, अपशिष्ट प्रबंधन, EMI परिरक्षण और ESD आदि के लिए नैनो कंपोजिट का संचालन करना रहे हैं। डॉक्टर धवन को सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स में उनके नवाचार के लिए 2009 में उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार और 2014 में DST लॉकहीड मार्टिन इनोवेशन अवार्ड मिला। अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन पर डॉक्टर धवन के नवाचार को 2017 में DST और IIM कोलकाता द्वारा स्मार्ट 50 नवाचारों में चुना गया था। डॉक्टर धवन को स्मार्ट सामग्री के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम से 2018 में राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार मिला। रिसर्च कॉम द्वारा 2022 के लिए किए गए सर्वेक्षण में डॉक्टर धवन भारत के शीर्ष सामग्री वैज्ञानिकों में #30वें स्थान पर रहे हैं। डॉक्टर CA चंदन निदेशक के रूप में हैं, इनको भी 11 वर्षों का अनुभव उससे अधिक का है। इनके बारे में भी जानकारी हासिल करना हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी से जानकारी हासिल हो सके। निदेशक एवं CEO श्री विजय शर्मा हैं, इनको 20 प्लस वर्षों का अनुभव है। इनके बारे में भी जानकारी के लिए खुद ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस कंपनी के CFO श्री अरविंद गुप्ता 35 वर्षों से अधिक का इनको एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट देखते हैं, निदेशक मंडल एवं KMP डॉक्टर ऋचा शर्मा, डॉक्टर रूबी बंसल। डॉक्टर ऋचा शर्मा स्वतंत्र निदेशक है, रूबी बंसल भी स्वतंत्र निदेशक है। श्री अनिल कुमार देसवाल स्वतंत्र निदेशक, श्री पारुल राय कंपनी सचिव, यानी कि हमारा किनारा इसका मतलब विकास लाइफ केयर लिमिटेड का कुछ फैक्ट्री वगैरह से संबंधित, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा इनके साइट्स वगैरह का फोटो। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी एज में क्या लिखता है, ये अपशिष्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए एकीकृत इन हाउस सुविधाएं जिनमें शामिल है PP PVC, PET, MLP, UTPC और इंफ्रास्ट्रक्चर एज में विज्ञान नगर रिको औद्योगिक क्षेत्र शाहजहाँपुर जिला अलवर राजस्थान में स्थापित है ये। और तीसरा है कैटरिंग हाई ग्रोथ सेक्टर एज, उच्च विकास उद्योगों से ग्राहक होने से फर्म की अच्छी वृद्धि सुनिश्चित होती है। हमारे ग्राहक यानी कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड का ग्राहक ऑटोमोटिव घटक, आप देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सभी कंपनी विकास लाइफ केयर लिमिटेड का एक तरह से कस्टमर है, जो कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड का कहना है। अलग अलग तरह के घटक, स्मार्ट उत्पाद, IGL, GAL,
गुजरात गैस, अवंतिका गैस लिमिटेड, सुरक्षित कल के लिए नवनवेशी विशेष रसायन, विकास लाइफ केयर लिमिटेड। अब हम इसको देखते हैं screener.in जो कि वेबसाइट का नाम है, उस पर इसके डाटा को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 783 करोड़ का, ROCE माइनस में है 6.65%, करेंट प्राइस 4.85 रुपया, बुक वैल्यू 2.45 रुपया, बुक वैल्यू से लगभग दो गुना पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी की शेयर। ROE माइनस में है 5.93%, ROCE और ROE दोनों ही माइनस में है। 52 वीक का हाई लो 8.02 रुपया, डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है, फेस वैल्यू 1 रुपया का है। एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ केवल और केवल नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। तो चलते हैं दोस्तों आगे। 1 ईयर का प्राइस चार्ट अगर देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें डाउन ट्रेंड बना हुआ है। जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है ये हो सकता है रिजल्ट निकलने के 1-2 दिन पहले तक ही रहेगा, क्योंकि उम्मीद है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आने वाली है। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आ गई तो इस शेयर को मिनिमम टारगेट मेरे आइडिया अनुसार जो अभी तक दिख रहा है 8 रुपये और 7 रुपये के बीच में रहेंगे। बाकी कुछ भी हो सकता है। अगर इस शेयर के प्रति रुझान हुआ इन्वेस्टरों का तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन प्राइस चार्ट और रिजल्ट के अनुसार तो मुझे यही उम्मीद लग रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ इसके बारे में, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे। बस इसमें देखेंगे कि नेट प्रॉफिट माइनस में है 3.87 करोड़ का, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर भी माइनस में आया 2 पैसा। बैलेंस शीट, जिस पर कि पक्का ध्यान देना चाहिए किसी भी कंपनी को ऑब्जर्व करने के दौरान, सितंबर 2023 के अनुसार यहाँ पर जो शो हो रहा है, इक्विटी कैपिटल 144 करोड़ का, रिजर्व इसके पास में 208 करोड़ का है, ब्रोइंग मात्र 26 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी माना जाएगा। अदर लाइबिलिटीज इसके पास में 79 करोड़ का है, टोटल लाइबिलिटी 457 करोड़ का है, फिक्स एसेट जो है वो 57 करोड़ का है, अदर एसेट भी 310 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 89 करोड़ का हो चुका है। आगे चलने से पहले फिर से याद दिला देता हूँ दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूँ केवल और केवल नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। तो चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न विकास लाइफ केयर लिमिटेड में। प्रमोटर के पास में दिसंबर 2023 के अनुसार 11.40 था, जो कि अब पॉइंट में ही बढ़ा है, मात्र और मात्र 0.34% का। अब बढ़कर मार्च 2024 के अनुसार प्रमोटर के पास में
11.74% हो चुका है। तो एक ये पॉजिटिव साइन है इस शेयर के लिए, यानी कि प्राइस अप ट्रेंड बनने के लिए। एफआईएच के पास में 10.82% है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे भी एक बार ध्यान देना चाहिए कि जून 2022 में एफआईएच के पास में 12.21% शेयर जो हुआ करती थी वो एक समय में पॉइंट में आ गई, 0.02% में जून 2023 में। कहीं फिर से तो ऐसा नहीं, उम्मीद कम है, क्योंकि इस शेयर में हो सकता है पॉजिटिव में रिजल्ट आए। आगे पब्लिक के पास में होल्डिंग अब थोड़ा घटा है, 77.44%, जो कि दिसंबर 2023 में 88.58% था। तो ये पॉजिटिव साइन है ये भी। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पाँच लाख 71,178, यानी कि इस कंपनी के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान बढ़ा है। इसमें एक न्यूज है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो से संबंधित, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वेबसाइट का नाम bseindia.com, तो वहाँ से लिया गया है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड मार्च 29, 2024, यानी कि 29 मार्च 2024 का ये अपडेट न्यूज है। ऊपर में विकास लाइफ केयर लिमिटेड का ये लोगो साइन भी ऐसा लगता है जैसे कि चेंज हो चुका है। तो इसमें जो जानकारी दिया गया है, सब्जेक्ट क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो इन अकॉर्डेंस विथ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन करने से संबंधित है, जो कि एक अप्रैल 2024 उस वक्त से इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा। और जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाए उसके 48 घंटे बाद तक भी इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाएगा। यही है अपडेट न्यूज, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो इस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा मैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा bseindia.com वेबसाइट का नाम है, उस पर विकास लाइफ केयर लिमिटेड जिसका कि करंट प्राइस 4.85 रुपया शो हो रहा है, 28 मार्च 2024 16:00 बजे का अपडेट है। अनाउंसमेंट क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो जो कि न्यूज पढ़ चुका हूँ, 1 अप्रैल 2024 से इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा। और वह रिजल्ट आने के 48 घंटा बाद तक वो जारी रहेगा। तो इसी से संबंधित है। और कॉर्पोरेट एक्शन पुराना ही है, बल्क डीलिंग 23/1/2024 का ही है,
बाय किया गया था, क्वांटिटी देख सकते हैं 99,44,095 7.40 रुपये के रेट से। बाकी डिलीवरी पोजीशन 100% है 28 मार्च 2024 के अनुसार, जो कि 12,52,180 क्वांटिटी मार्केट में आया BSEIndia.com पे, मतलब BSE पे, और वो पूरी की पूरी डिलीवरी में उठा लिया गया। अब थोड़ा विकास लाइफ केयर लिमिटेड को NSEIndia.com वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। इस पर इसका शेयर प्राइस 4.90 रुपये शो हो रहा है और इसमें अभी भी बाई क्वांटिटी 6022 का 4.85 रुपये पे ऑर्डर लगा हुआ रह गया। तो ये पॉजिटिव साइन है, इस शेयर को अप ट्रेंड में रनिंग के लिए। बाकी एक बार फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों, मैं वीडियो इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार, सूझबूझ के अनुसार ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।